तो इस मछली की हमने अब कटिंग कर दी है, अब इसका बनेगा फिश। अवाकाडो कट चुका है, अब इसको निकालते हैं। तो गाइज आ जाना यार, वीडियो बिल्कुल भी बन नहीं पाई। अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत, स्टे ट्यून्ड। हमने निकाल लिया इसको आज फ्रिज से बाहर। तो इस मछली की हमने अब कटिंग कर दी है, अब इसका बनेगा फ्राइड फिश। देखते हैं कैसी बनती है, बिस्मिल्लाह करते हैं। अभी मैं अपना फेस नहीं दिखा रहा क्योंकि यहाँ पे अभी फिश तैयार हो रही है, और मैं सोच रहा हूँ आज अवाकाडो फिश टोस्ट बनाऊँ, तो उसको ट्राई करता हूँ मैं। ये खुद से मेरी एक डिश है जो मैंने अभी तैयार करी है, तो इसको बनाते हैं और खा के आपको बताते हैं कैसा है। अवाकाडो कट चुका है, अब इसको निकालते हैं। ये वो अवाकाडो वाला तो नहीं हो पाया, लेकिन मैंने क्या करा, ये ब्रेड में फिश डाल दी और तब खा रहा हूँ। ये भी बढ़िया लग रहा है भाई। यहाँ पे मिल चुका है हमें कुछ साउथ इंडियन स्टाइल में खाना। यहाँ पे फिश, चावल, अंडा, अवाकाडो और ये है दाल। चलो खाते हैं, क्योंकि आज मैं पूरे टाइम बिजी रहा। और अभी भी ना हम घर पे नहीं है, घर से बाहर थे। यहाँ पर आप चेक करो, ये ना यहाँ एक प्रोग्राम चल रहा है वेडिंग शावर का। तो यहाँ पर एक फ्रेंड है, उनकी शादी की वेडिंग शावर है। इंडिया में तो नहीं होता, ब्राइडल शावर है। तो वहीं पर हम आए हुए थे। तो आज यार व्लॉगिंग घर पे भी नहीं हो पाई, यहाँ पे भी नहीं हो पाई, तो मैंने सोचा एक क्विक वीडियो यहाँ पे शूट करी जाए। और आप यहाँ पे चेक करो भाई, क्या व्यू आ रहा है यार, क्या रंग बिरंगे पहाड़ हैं, कितना सीनिक व्यू है। ऐसा लग रहा है जैसे नकली हो। देखो पहाड़ पीछे लाल, उसके आगे हरे पेड़। यहाँ पे एक दो मैंने अपने फ़ोटो भी क्लिक कराए, इंस्टा पे अपलोड करेंगे उनको। आ चुके हैं हम अपना, ये अभी सब्जी मंडी है। अब आप पूछोगे इधर की तरफ क्यों है, उधर क्यों नहीं आए, तो भाई जिस बंदे के साथ हम गए थे उन्होंने हमको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे गाड़ी ना ऐसे रोड पे नहीं रोक सकते, तो यहाँ पे पार्किंग एरिया है, तो पहले पार्किंग एरिया में लगाई तो इन्होंने गाड़ी, फिर हम यहाँ पे उतर गए। ये रॉयल करी जहाँ से हमने उस दिन छोले भटूरे लिए थे। आज का कंटेंट तो बड़ा कम रह गया ना, लेकिन कोई नहीं, हम ट्राई करेंगे इसको एक्सटेंड करने की। अभी घर पे जाके देखते हैं क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। आज ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि ये हमारा घर है जहाँ हम रह रहे हैं, इसमें ना एक ये नीचे पार्किंग है, तो ये जो ओनर है ये उनकी पार्किंग है, और हम यहाँ पे पीछे रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पर। तो अगर हमें गाड़ी अगर पार्क करनी है तो हम कैसे करेंगे, तो पहले तो आप ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो विज़िटर पार्किंग है वहीं यहाँ पर लगा सकते हैं। जो ये स्पेस है ये विज़िटर पार्किंग का है, तो आप यहाँ पर रात में गाड़ी नहीं लगा सकते। तो फिर उसके बाद पार्किंग कहाँ लगेगी, तो मैं आपको पार्किंग दिखाता हूँ आज कहाँ लगेगी। तो सभी घरों में एक या दो पार्किंग है, या शायद एक ही पार्किंग है, तो जो एक्स्ट्रा गाड़ियाँ होती हैं वो आपको दिखाता हूँ कहाँ लगेगी। ये छोटा सा एक प्लेग्राउंड है हमारे घर के इधर ही, अब मैं आपको पार्किंग के पास लेके चलता हूँ जहाँ पे हम अपनी दूसरी गाड़ी लगा सकते हैं। जैसे अगर हम कोई गाड़ी ख़रीदते हैं वो लगाने के लिए क्या जगह है। ये बनी हुई है पार्किंग, तो अलग अलग घर के हिसाब से। ये देखो यहाँ पर ये पार्किंग का लिखा हुआ है कि किसका घर, हाँ नंबर कितना है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे पार्किंग है। आगे भी ये सारी पार्किंग बनी हुई है। बिल्कुल एंड में आ चुके हैं वहाँ से वॉक करके, देखो तो यहाँ पर भी पार्किंग है। ये अलग अलग गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जो भी बंदा यहाँ रहता है उसकी अलग अलग यहाँ पर लगी हुई हैं गाड़ियाँ। तो गाइज़ जो भी मतलब इन घरों में रहता है, ये पूरी सोसाइटी में, तो उनकी गाड़ियाँ जो एक्स्ट्रा गाड़ी है वो यहीं लगती है। तो जो सोसाइटी का जो यहाँ पे है इन लोगों का, उनको इन्फॉर्म करना होता है पहले ही कि हमारी यहाँ पे गाड़ी खड़ी होगी, तब आप यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि ला के खड़ी कर दी, ये 24 आवर के लिए रिजर्व हो जाती है, तो आपकी पर्सनल पार्किंग है, फिर उस स्पेस में कोई और खड़ी नहीं करेगा ला के। तो ये एक पार्किंग का यहाँ पर तरीका है, आपको अपनी गाड़ी अगर लगानी हो तो। जैसे अगर मुझे कोई अपनी गाड़ी लगानी है तो मैं अपनी गाड़ी ऐसे ही लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे जो लैंडलॉर्ड हैं उनकी पहले से एक कार उनके घर में खड़ी रहती है। आ गए हम वापस से अपने घर के बाहर, ये सामने बस स्टैंड है,
तो यही है मेरे ओनर की पार्किंग, ये वाइट वाइट, और ये है विजिटर पार्किंग कि अगर मेरे को कोई विजिट करने आ रहा है तो अपनी गाड़ी यहाँ लगा सकता है, लेकिन रात में नहीं लगा सकता, रात में उसको हटानी पड़ेगी। तो गाइस छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये आपको दी मैंने आज। बारिश हो रही है, रात में बज रहे हैं 1:40 और एकदम बढ़िया बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं। और अब यहाँ ठंड बढ़ जाएगी, बढ़िया एकदम बारिश। अब यहाँ पे एक दो दिन बारिश ही होती रहेगी मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे पिछली बार मतलब जब मैं आया था तब ऐसे हुआ था ना कि बारिश अगर एक बार स्टार्ट हुई थी फिर यहाँ पे बारिश होती रही, तो मुझे लग रहा है कि फिर से ऐसी होगा। अब लाइट के नीचे दिख रही है, वैसे तो दिख ही नहीं रही बारिश, ये रात हो रही है ना, लेकिन मैं थोड़ा भीग गया। तो करते हैं फिर आज का व्लॉग यहीं पर एंड, मिलते हैं कल फिर एक नए व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।